हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनूज कॉर्नर। और मैं हूं कनू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं अपना शॉपिंग हॉल अमेज़ॉन का। इसमें है 7 कुर्तीज़ जो मैं यहां शेयर कर रही हूं, और एक प्लाजो सेट जो इस टाइम मैंने वेयर किया हुआ है। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन कुर्तीज़ के बारे में बताऊँगी, उनका फैब्रिक, उनका प्रिंट, ये वर्थी हैं या नहीं, कॉटन के मुकाबले कैसे हैं कैसे नहीं, और इनको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि सभी आजकल यूट्यूब पर कह रहे हैं ये ले लो वो ले लो, अपना मतलब दिखा रहे हैं कुर्ती हॉल ये वो, लेकिन कई बार जो होता है कपड़ा वर्थी नहीं होता है, पहनने के लायक नहीं होता है। तो मैं जिस तरह से कुर्तियाँ पहनती जाऊँगी, उनके व्यूज़, उन पर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देती जाऊँगी आपको। और मेरा वीडियो जो है वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी भी कंपनी ने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी कि मैं उनकी कुर्तीज़ की प्रेज़ करूँ या उनकी कुर्तीज़ की बुराई करूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैं पहन कर खुद फील कर रही हूँ। मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ इस टाइम, मैं जिस तरह से अपनी लाइफ में रहती हूँ अपनी, मैं आप लोगों के सामने शो करती हूँ, कोई फालतू का शो ऑफ नहीं करती। और अभी मैं अपना ड्राइंग रूम में हूँ जहाँ पे मैंने ये कुर्ती हॉल किया सारा। और वेल, इसके बाद मैं अपना जो लोकल मार्केट से हम लोग कॉटन के सूट्स लेते हैं, या मैं जहाँ से लेती हूँ, बेस्ट शॉप है मुझे लगता है हमारे हिमाचल की, दो बेस्ट शॉप है, एक हमीरपुर में है एक हमारे यहाँ है, बहुत ही बढ़िया वाला कॉटन देते हैं, कभी उनका कोई कंप्लेंट नहीं आता है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ ये सारा दिखा देती हूँ आपको मैं सामान जो मेरे पास बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैंने इन सब को ट्राई किया है, उसके बाद आप लोगों के लिए चुनकर कुछ सामान लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट कुर्ता जो कि सिंथेटिक बेस है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया है, और ये इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब दूर से ऐसा लगता है जैसे कि एम्ब्रॉयडर्ड है ये, कि एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पर, लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है। और इसे मैं वापस करने वाली हूँ, बिकॉज़ गर्मियों में पूरा ब्लैक कलर और इतना डार्कर कलर पहनना और ज़्यादा गर्मी लगती है ऐसा लगता है। और इसके प्रिंट में थोड़ा सा ना मतभेद है, यानी कि प्रिंट जो है थोड़ा सा आगे पीछे है, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक साइड से थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको मैं वापस करने वाली हूँ। और ये जो है ये क्रेप नहीं है, ये पॉली क्रेप कपड़ा है, हो सकता है और यूट्यूबर्स ने भी इसका रिव्यू किया होगा, और मुझे नहीं लगता किसी ने फ्रेंकली इसको बताया है। थोड़ा सा जो नेक है एक साइड जा रहा है, और एक साइड आप देख सकते हैं प्रिंट ज़्यादा है, एक साइड कम है, थोड़ा सा प्रिंट नो डाउट बहुत प्यारा है इसका, जो नेक पे ये फ्रंट में बना हुआ है ना कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा लगता है, फोटोजेनिक है, नेक भी बहुत डीप नहीं है, अच्छा है, स्टिच जो है बहुत अच्छा स्टिच किया हुआ है। मैं यूजुअली 36 वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइट सूट पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये 40 ऑर्डर किया था, यानी कि डबल, क्योंकि इनमें जो है अंदर मार्जिन नहीं होता है ढीला या टाइट करने के लिए, इसलिए मैंने 40 ऑर्डर किया था। ये 40 बहुत लूज़ है मेरे को, और बहुत मेरी हाइट 5 फीट है, तो इस हिसाब से मुझे ये ठीक है, लंबा है थोड़ा सा, प्लाजो के साथ थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लेगिंग के साथ बहुत लंबा लग रहा है। और इसकी 3/4 स्लीव जो हैं उनमें आगे मर्जेंटा कलर की रिब लगी हुई है, पाइपिंग लगी हुई है, तो देखने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं कॉटन पहनती हूँ इसलिए मुझे ये फैब्रिक जो है पसंद नहीं आया। यहाँ मैं कोई दो राय नहीं दूंगी अपनी, जिस तरह सबने बोला है, मैंने बहुतों के देखे हैं तो सबने ये कहा है बहुत अच्छा है पहनी आप, अगर आप एसी में रहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंकली और साफ सच बात बोलती हूँ, शायद इसीलिए लोगों को मेरा सच बोलना खलता है और व्यूज़ कम आते हैं, लाइक्स कम मिलते हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो सच ही बोलना है भाई। तो ये फैब्रिक जो है ये पॉली क्रेप है, क्रेप नहीं है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने टेक्सटाइल पढ़ा है, तो ये जो है पॉली क्रेप है, सिंथेटिक बेस है, इसमें स्वेटिंग जो है अब्सॉर्ब नहीं करेगा ये कपड़ा बिल्कुल भी, अगर आप एसी में बैठे रहते हैं या घर के अंदर रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है पहनने के लिए, लेकिन अगर आप इसको पहन के कॉलेज जाते हैं, बाहर जाते हैं, स्वेटिंग होती है, तो आप उबलने वाले हैं इस कपड़े में, नो डाउट। इनके प्रिंट बहुत अच्छे हैं, तो मैंने इन सब कुर्तों में जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ दो कुर्ते रखे हैं, कौन से रखे हैं वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। हाँ, इनको अगर मैं फिटेड करा लेती हूँ तो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, लेकिन ये वाला जो कुर्ता है इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग है जो अमेज़ॉन के पिक्स में है।
आज तक मैंने अमेज़ॉन से जो भी कुछ मंगवाया है मुझे कभी उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन ये फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आया बस, और कुछ बात नहीं है। बाकी इसका जो प्रिंट है, लेंथ है, स्टिचिंग है, बहुत अच्छी है, और इस वाले कुर्ते में कहीं भी डिज़ाइन गड़बड़ नहीं है, मतलब प्रिंट को देखते हुए बहुत अच्छे से काटा है। और यह आ गया सेकंड के बाद थर्ड कुर्ता, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट वेट है ये। और मैंने इसे अपने ऑफ वाइट कलर के प्लाजो के साथ पहना है, तो बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैचिंग है एकदम, और सिलाई हुई हुई है इस तरह से। तो मैंने अपने टेलर को दिखाया जो यहाँ पे हैं बुटीक एक, उन्होंने कहा कि उनको भी इसका फैब्रिक और नेक का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, बोट शेप भी नहीं है, गोल भी नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा है, या तो उनको नेक जो था वो स्क्वायर करना चाहिए था, या प्रॉपर गोल करना चाहिए था, या बटन पट्टी वाला होना चाहिए था, कुछ भी। लेकिन ये बहुत ही सिंपल कुर्ते हैं, लेकिन अच्छे हैं, अगर आप लेना चाहें तो अच्छे हैं। और इन कुर्तों के बारे में ख़ास बात मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आजकल लखनऊ के बाद लुधियाना में है, तो उन्होंने मुझे ये कुर्ते देखते ही कहा कि ये वहाँ पे लुधियाना में 150 के मिल रहे हैं इस फैब्रिक के, प्रिंट ये नहीं होगा लेकिन और प्रिंट्स के 150 के मिल रहे हैं। तो आ जाते हैं फोर्थ कुर्ते पर, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, जो इसका कलर है वो पेस्टल है, बहुत ही अच्छा है, पिंकिश और पीच कलर का कॉम्बिनेशन है। इसके कलर और प्रिंट को देखते हुए मैंने मंगाया था, बिकॉज़ मेरा फेवरेट है पिंक एंड पेस्टल कलर्स, मुझे बहुत पसंद है पेस्टल्स, यू नो आजकल ट्रेंड में है, लेकिन मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है लाइट कलर्स, तो मैंने मंगवाया था, अच्छा लगा मुझे, कूल सा, लाइट सा। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि ये स्वेटिंग को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए अच्छा है। और यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी कि जब पसंद आ जाती है ना कोई चीज़, तो उसके सामने फिर कपड़ा कैसा भी हो, प्राइस कुछ भी हो, वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। नो डाउट ये डेली वेयर के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, कॉटन पसंद है, जिन्होंने शुरू से कॉटन पहना है, मैं हर चीज़ कॉटन ही लेती हूँ, टॉप वगैरह भी मैं कॉटन या रेयन या फिर प्योर कॉटन क्रेप जो होता है वही लेती हूँ, तो मुझे ये फैब्रिक कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और जो लोग पहन सकते हैं सिंथेटिक वो पहन सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, एलर्जेटिक है, तो मैं ये नहीं रखने वाली हूँ, मैं इसको भी वापस करने वाली हूँ शायद। हाँ, ये आता है अगला कुर्ता जो कि नेवी ब्लू में है, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो हल्का फैब्रिक नहीं है, जैसे हवा से उड़ने वाला ऐसा लगता है ना, पॉलीथीन जैसा फैब्रिक, उस तरह का फैब्रिक नहीं है, बाकी कुर्तियों से इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और इसका प्रिंट बहुत बहुत ज़्यादा सोबर प्रिंट है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से स्टिच किया हुआ है। हालांकि मैंने सभी 40 कुर्ते लिए हैं, मतलब 40 इंचेस जो है इसका साइज़ लिया है, और ये कुर्ता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और इसका स्टिच भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ। और इसकी हल्की सी फिटिंग सोच रही थी करवाऊँ, लेकिन मुझे ये ठीक है, मैं थोड़े से लूज़ ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं दुपट्टा कैरी नहीं करती हूँ, और तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए पहले मैंने सोचा था जब ये आया था कि इसके लिए मैं स्किन कलर का प्लाजो लूँगी, लेकिन ये ऑफ वाइट प्लाजो के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद आ जाती हूँ मैं प्लाजो सेट पर। प्लाजो सेट जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने लिया, अब तो लोकल मार्केट में भी मिलने लगा, यहाँ तक कि ये जो प्रिंट का कपड़ा है ये भी लोकल मार्केट में आ गया, आप चाहें तो उसका फ्रॉक बनवाएं, सूट बनवाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया है, और मैंने वही है कि 40 साइज़ मंगवाया है एक्सेल, तो ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे को, थोड़ा लूज़ भी है, तो इसकी मैं फ़िटिंग करवा लूँगी अच्छे से, फ़िटिंग के बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इसमें पिंक कलर मंगवाना चाहती थी, बिकॉज़ पिंक मेरा बचपन से फेवरेट है, मतलब बड़े होके फेवरेट नहीं हुआ है, बचपन से फेवरेट है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत कॉमन हो जाएगा, हर चीज़ पिंक है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि हर चीज़ पिंक, हर चीज़ रोज़ गोल्ड, ये चीज़ है ना, तो मैंने ये वाला कलर इसका मंगवाया है, स्काई ब्लू, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। फैब्रिक बहुत, मतलब हल्का नहीं है, बेकार नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आता है, इसकी फिटिंग मैं करवाऊंगी, बहुत ही अच्छा है फैब्रिक, बहुत भारी है, थिक फैब्रिक है, बहुत अच्छा वाला फैब्रिक है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस वाले प्लाजो सूट से, और साथ ही में जो नेवी ब्लू दिखाया उनसे, इसको मैं रखने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो मैं अपने रिव्यूज़ दे रही हूँ, मैंने खुद के पैसों से ये खरीदे हैं, कुछ यूट्यूबर्स के लिए फ्री में चीज़ें आती हैं और अच्छी बातें आती हैं, तो मुझे कोई जैलस नहीं है उनसे, लेकिन मैंने ये खुद के पैसों से खरीदी हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सही सही रिव्यू करके बताऊँगी। हाँ, इसके बाद जो ये वाला कुर्ता है ये भी बहुत हल्का फैब्रिक है, कागज़ जैसा उड़ने वाला,
लेकिन इसके कलर जो है पेस्टल्स हैं और मुझे बहुत पसंद है बेबी पिंक कलर, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। मुझे इसका प्रिंट मतलब बहुत पसंद आया और कलर बहुत पसंद है, और इसके रिव्यू भी मैंने दो तीन देखे हैं लोगों के पास। मुझे फैब्रिक तो नहीं पसंद था, लेकिन इसके प्रिंट के करके मैंने इसे रख लिया है, क्योंकि ये इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, तो इसे कभी कभी मैं पहन लिया करूँगी। और ये मेरे ऑफ वाइट जो है प्लाजो के साथ जाएगा। तो वेल, सबके नेक आपने देखा होगा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं है कि इधर उधर खिसकें बहुत ज़्यादा। सबके नेक बारी बारी मैंने आपको दिखाए हैं, और सबके स्लीव्स जो है 3/4 हैं। मेरी हाइट 5 feet है, जो लंबे हैं उनको ये थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे, और जो छोटे हैं मेरे से भी ज़्यादा छोटे हैं अगर, तो उनको पैरों तक जाएंगे तो थोड़ा फोल्ड करवाना पड़ेगा। तो वेल, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से ये रिव्यूज़ किए हैं, और रिव्यूज़ जब कर रही हूँ तो साथ ही साथ मेरे बच्चा पार्टी भी आ गई है, उनको बहुत खुशी हो रही है कि इतना सारा सामान आया है, बिकॉज मैंने 2 सूट मामा के लिए भी मंगवाए थे, तो वो मैंने यहाँ शोर नहीं किए हैं। वेल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।